पेगासस जासूसी कांड पर संसद में आज भी हंगामा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी। राज्यसभा में विपक्ष ने लहराया पोस्टर, सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों के रवैये पर जताई नाराजगी। Should publish the name of the member and also issue that he has been permitted by the chair. लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान मचा हंगामा, विपक्ष ने उठाई जासूसी कांड और किसान आंदोलन पर चर्चा की मांग। अविनाश रेड्डी मंत्री जी को बुलाइए, माननीय मंत्री। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने की नारेबाजी, खेला होबे का गुंजा शोर। क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2021-22 के बारे में गृह कार्य संबंधित। संसद परिसर में पीएम ने ली कोर ग्रुप की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल हुए शामिल। कर्नाटक के नए सीएम बने वसवराव मुंबई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी रहे शपथ ग्रहण में मौजूद, वसवराव को दी मुख्यमंत्री बनने की बधाई। शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में लगी नए नेम प्लेट, वसवराव मुंबई का लगा नाम। शपथ ग्रहण से पहले भगवान के दर पर पहुंचे वसवराव, बेंगलुरु के मारुति मंदिर में किया पूजा पाठ। आज शाम को दिल्ली आएंगे वसवराव मुंबई, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में ममता बनर्जी की मुलाकातों का दौर, आज सोनिया गांधी के साथ चाय पर चर्चा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के साथ भी ममता बनर्जी की मुलाकात, अगले चुनाव की रणनीति पर चर्चा की उम्मीद। तभी मोदी से मुलाकात के बाद ममता ने की पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग का सर्वदलीय बैठक बुलाए सरकार। यूपी के बीजेपी सांसदों की आज से 2 दिन दिल्ली में बैठक, मुख्यमंत्री योगी, सुनील बंसल और स्वतंत्र देव रहेंगे मौजूद। यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी पार्टी, जेपी नड्डा के भी शामिल होने की खबर। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा, विधायकों की पिटाई के मामले में चर्चा की मांग। विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्यवाही का पूरे सत्र के लिए किया बहिष्कार, सरकार से माफी मांगने की मांग। तेजस्वी यादव का बयान, देश के 70% पिछड़े, अति पिछड़े को अधिकारों से वंचित क्यों रखा जा रहा है। बिहार सरकार ने दोहराया, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं। इटावा में 24 घंटे में बरसात होने पर सड़कों पर भरा पानी, जलभराव वाली सड़कों पर कांग्रेसियों ने की धान रोपाई। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत पायलट विवाद खत्म करने की कोशिश, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन विधायकों से ले रहे राय। किसान नेता राकेश शिकायत का बयान, 15 अगस्त को झंडा तो हम दिल्ली में ही फहराएंगे, चाहे हवाई मार्ग से ही क्यों ना जाना पड़े। राकेश शिकायत ने कहा, किसानों को दिल्ली की सीमा में चाहिए 5 गज जमीन, शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे और वापस आ जाएंगे। दिल्ली की जमीन पर लगाएगा क्या? किसान यहां पर आया हुआ है तो भी नेशनल फ्लैग लगाएगा, दिल्ली की जमीन पर लगाएगा क्या? दिल्ली में 5 गज जगह भी देश के किसानों को नहीं मिल सकती। असम मिजोरम सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश, गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी, गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी मौजूद। असम के अधिकारियों के साथ भी होगी बैठक, असम के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी होंगे शामिल। असम मिजोरम में सुरक्षा के सख्त इंतजाम, सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात। भारत दौरे पर आया अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात, आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी से भी बैठक तय। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, 7 लोगों की मौत, 17 लोगों को किया गया रेस्क्यू, अब तक 39 लोग लापता। सेना ने राहत बचाव के लिए भेजी 22 जवानों की टीम, कैप्टन विवेक चौहान कर रहे अगुवाई। फ्लैश फ्लड की वजह से चेनाब और तवी नदियों का बढ़ा जलस्तर, सैलाब का खतरा। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने लिए हालात की जानकारी, एलजी और डीजीपी से की बात।
बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से बरस रहे हैं बड़े बड़े पत्थर, गाड़ियों की आवाजाही बंद। ऋषिकेश में उफनती वीन नदी के बीच धारा में बहा पिकअप वाहन, ग्रामीणों ने बचाई चालक की जान। नदी का जलस्तर बढ़ने से 80 गांवों का संपर्क टूटा, ट्रैक्टर ट्रॉली की ली जा रही मदद। किन्नौर में फंसे थे 100 से ज्यादा पर्यटक, प्रशासन ने सुरक्षित निकालने के बाद बंद किया रास्ता। हिमाचल के लाहौल में बादल फटा, 6 से ज्यादा नदियों में आई बाढ़। बादल फटने से बह गया जहलमा पुल, केलोंग से कटा संपर्क। करगिल के खांग्राल में आया फ्लैश फ्लड, बड़े इलाके में फैला मलबा। फ्लैश फ्लड से आया मलबा, लेह श्रीनगर हाईवे भी आया चपेट में। मुंबई के अंधेरी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन मकान ढहा, मलबे में दबे 5 लोगों का रेस्क्यू। अधिकारी के मुताबिक अवैध तरीके से हो रहा था निर्माण, इलाके में ऐसे कई मकान बने हैं खतरे का सबब। मध्य प्रदेश के श्योपुर में अहिली नदी के तेज बहाव में फंसे 2 गांव वाले 4 घंटे चले रेस्क्यू के बाद सुरक्षित बचाया गया। श्योपुर में रेस्क्यू के दौरान बचाव टीम की नाव पलटी, मुश्किल में फंसे 4 लोगों की जान। नदी के धार में फंसे 10 लोगों को बचाने पहुंची थी रेस्क्यू टीम, 4 घंटे तक पेड़ से लटक कर बचाई जान। गोंडा में सैलाब जैसे हालात, सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी में थोड़ी सी ही बारिश ने किया हाल बेहाल, नई बनी सड़कों पर दिखा तालाब का मंजर। शिमला में जोरदार बारिश के चलते बदला शहर का मंजर, चारों तरफ छाया घना कोहरा। शिमला समेत हिमाचल के कई हिस्सों में आज भी जमकर बरसे बादल, कांगड़ा में बारिश का रेड अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश जारी, दिन भर छाए रहे बादल। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 18 मजदूरों की मौत। पलवल से बिहार जा रही थी बस, करीब 100 लोगों के सवार होने की खबर। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर हुआ हादसा, ढाबे के पास खड़ी बस को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। हादसे में 11 लोगों की मौत, अस्पताल पहुंचते पहुंचते 8 और घायलों ने तोड़ा दम। बाराबंकी हादसे पर पीएम ने जताया शोक, राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद का ऐलान। होशियारपुर में जी दफ्तर में घुसकर दर्जन भर हमलावरों ने की तोड़फोड़ और मारपीट, कांग्रेस पार्षद और समर्थकों पर लगा आरोप। आजमगढ़ में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा, भारी तादाद में नकली शराब और पैकिंग का सामान जब्त। गोपालगंज में 2 नाबालिगों ने फांसी लगाकर की खुदकुशी की कोशिश, ऑनलाइन गेम की लत पर दोनों के पिता ने लगाई थी फटकार। नैनपुरी में 40 दिन पहले दफनाए गए शव को पुलिस ने कब्र से निकाला, पीट पीट कर हत्या के आरोपों की दोबारा होगी जांच। कोलकाता में जूतों के गोदाम में भड़की आग, दूर दूर तक दिखा धुएं का गुबार। अमृतसर में सामने आया दिल दहलाने वाली वारदात का वीडियो, युवक को घसीटते ले गई गाड़ी। बड़वानी में गला रेत कर लड़की की हत्या, सौतेले पिता ने वारदात को दिया अंजाम। गोरखपुर में बीजेपी नेता की बुजुर्ग मां और 1.5 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, पत्नी और बेटी भी बुरी तरह जख्मी। वारदात के वक्त बीजेपी नेता घर पर नहीं थे मौजूद, पुरानी रंजिश में रिश्तेदारों पर ही हत्या का आरोप। झारखंड के धनबाद में जंगल काटने गई BCCL अधिकारियों पर गांव वालों का हमला, जान बचाकर भागे अधिकारी। दिल्ली सटे नॉर्मल में मारपीट का वीडियो वायरल, पैसों के लेन देन में बड़ा विवाद। संत कबीर नगर में गिरफ्तार हुआ घूसखोर दारोगा, 10,000 की रिश्वत लेने एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। बिहार में एम्बुलेंस में हो रही शराब की तस्करी, किशनगंज में 270 लीटर शराब के साथ 2 गिरफ्तार। इंदौर में शराब पीकर 3 युवकों की मौत, पार्टी के बाद गई जान, 1 की हालत गंभीर। मुरादाबाद में संपत्ति विवाद में 1 युवक की हत्या, 2 सगे भाइयों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। 24 घंटे नल से पीने के पानी वाला पहला शहर बना जगन्नाथपुरी, 2.5 लाख लोगों को मिलेगा फायदा।
गुजरात के धोलावीरा को यूनेस्को ने दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेष। पाबंदी के बावजूद हरिद्वार पहुंच रहे हैं कांवड़िए। प्रशासन की सख्ती के बाद वापस लौटाए गए 400 श्रद्धालु। सूरत के सामाजिक संगठन की बड़ी पहल, सेना के जवानों के लिए भेजी जा रही है 16,000 राखियां। गुजरात के भावनगर में दिखी हिरणों की दौड़, करीब 3,000 हिरणों का दिखा काफिला।